हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पबजी मोबाइल का 0.9 का अपडेट, जो कि रिसेंटली जो है टीमी वर्जन पे आया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, 0.9 का अपडेट जो है वो रिसेंटली टीमी वर्जन पे आया हुआ है, और इस अपडेट में जो काफी ज्यादा चीजें, नई वाली चीजें ऐड करी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटरफेस जो है 0.9 के अपडेट में काफी चेंज हो गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नए अपडेट के बाद जो है ग्राफिक काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी है। तो गेम जो है थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पे, पर ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तो गेम जो है अभी देखिए ऑन हो गया है, और प्लेन का यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो नए अपडेट में जो ग्राफिक इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा करी हुई है, प्लस इस बार का जो गेम है वो थोड़ा सा हैवी भी हो गया और लैग भी थोड़ा सा होना शुरू हो गया। पहले मैं जब टीमी वर्जन खेलता था इतना लैग नहीं होता था, पर अभी वाले में थोड़ा सा लैग मुझे फेस करने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हम प्लेन से कूद चुके हैं, तो फॉलिंग एनिमेशन देख सकते हो। तो इस बार शायद इन्होंने क्लाउड्स वगैरह भी ऐड किए हैं, जो कि हमें विजिबल है पूरे कैमरे में। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छा फॉलिंग एनिमेशन है। काशी एनिमेशन जो है हमारे ग्लोबल वाले वर्जन में होता है, पर ये वाला फॉलिंग एनिमेशन है नहीं। तो यहाँ पे हम उतरने के बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी नई चीजें आई हैं वो एक स्पेसिफिकली आर्केड मोड में आई है। तो उस आर्केड मोड में जो है आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल गेम में अगर वो सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें डाल देंगे तो उसका कोई मजा नहीं रह जाएगा। नॉर्मली हर कोई जो है उसको यूज करके खेलेगा, तो गेम का इंटरेस्ट जो है पूरा खराब हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि उन्होंने एक अलग से मोड दिया हुआ है, जहाँ पे ये सारी चीजें स्पॉन होंगी और वहां से जाकर के आप उसको यूज कर सकते हो, और सामने वाले बंदे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे को शील्ड वगैरह मिल गई है, और यहाँ पे एक बंदा भी मिल गया है मेरे को, तो इस बंदे को सबसे पहले टपका देते हैं हम। उसके बाद मैं आपको शील्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि शील्ड कैसे काम करता है। तो साइड से मेरे को हिट हो रहा है और ये हमने इसको मार दिया। तो यहाँ पे हमारा पहला किल हो गया है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कुछ है या नहीं। वेपन का देखने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि शील्ड किस तरीके से काम करती है इसकी। इस गेम में जो है शील्ड वगैरह है, और यहाँ पे हमें दूसरा बंदा मिल गया है, उसको भी मारना है हमने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शील्ड आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, राइट हैंड साइड में जो है नीचे शील्ड बना हुआ है, उस पर आपको टैप करना है। तो इस तरीके का आपको होलोग्राम टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप उस पर टच करोगे बिल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे आप जो है आपका शील्ड जो है यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। तो ये शील्ड जो है बुलेट प्रूफ है, पर अगर आप कंटिन्यूस फायरिंग इस पर करोगे तो ये शील्ड जो है अपने आप हट भी जाएगा। मतलब कि शील्ड को डैमेज भी मिलता है, और एक टाइम के बाद जो है ये डिसअपेयर हो जाता है। तो आप इस शील्ड को जो है पैक अनपैक दोनों कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है शील्ड का, इसमें अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात है कि नॉर्मल मोड में नहीं है, ये जो है स्पेसिफिकली आर्केड मोड में है, जिससे जो है सामने वाला बंदा भी यही सारी चीज़ें यूज़ कर पाएगा और हम भी ये चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। तो एक टाइप का फेयर गेम टाइप का रहेगा। नॉर्मल मोड में जो है ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, पर यहाँ पे जो है आर्केड मोड में ये काम कर सकता है, तो हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वर्जन में ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी, इस बात का कहना ज़रा मुश्किल है। बट अगर ग्लोबल में आ जाती है तो पबजी का जो है पूरा मज़ा ही खराब हो जाएगा, क्योंकि गेम जो है जितना रियलिस्टिक रहे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको क्लोन वर्जन दिखा रहा हूँ कि आप अपना क्लोन किस तरीके से बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक बॉक्स में मिलेंगी, उस बॉक्स को आपको कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना एक क्लोन बना के खड़ा कर दिया है, और मैं इस शील्ड को जो है अनपैक करके उसके सामने रख दूंगा, ताकि जो है अगर कोई उस देखता है तो उसको लगे कि इसके पीछे सचमुच का कोई इंसान है और वो इस पे फायरिंग करेगा। बट जैसे मुझे पता चलेगा मैं उसको किल कर दूंगा। तो इस टाइप के कुछ आप जो है प्लानिंग करके इन सारे ट्रैप्स को जो है बना सकते हो, होलोग्राम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है शील्ड इसके आगे बिल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने क्लोन के आगे जो है शील्ड बिल्ड कर दी है, और यहाँ से अगर कोई इसे हिट भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई असली इंसान नहीं, इसलिए मुझे कोई डैमेज वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो वो आराम से जो है बेवकूफ़ बन सकता है इस चीज़ से। शील्ड का ये फ़ायदा है कि शील्ड को आप जो है दोबारा से रीपैक करके अपने पास यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसे कहीं छोड़ दिया तो आपकी शील्ड चली जाएगी। और यहाँ पे जो है अब हमको माइन मिल गई है। तो माइन जो है बेसिकली आप जो है डोर पे यूज़ कर सकते हो, किसी का रास्ता ब्लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये माइन जो है हमारे ऊपर काम नहीं करता जब तक आप इसको शूट नहीं करते हो। अगर आप इसे शूट करते हो तो ये ब्लास्ट हो जाएगा तुरंत ही, और अगर आप उसके नज़दीक हो तो आप जो है मर भी सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर से जो है इसके दो लेज़र्स निकलते हैं, उन लेज़र्स के बीच में से आप निकल भी जाओगे तो ये ब्लास्ट नहीं होगा। बट अगर इसके सामने कोई दूसरा बंदा आएगा, अगर वो यहाँ से निकलेगा तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा और वो वहीं पर ख़त्म। तो ये माइन जो है बेसिकली ग्राउंड में ओपन में तो विजिबल है, लेकिन अगर आप ग्रास वगैरह में कहीं पे लगाते हो तो ये विजिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसके लेज़र के आर पार जा रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा। पर जैसे ही मैंने इसको शूट किया जो है
मैं भी वहां पे मर गया, तो मैं काफी क्लोज था उसके इसलिए वहां पे मैं मर गया। तो अब जो है अगली चीज दिखा देता हूँ, वो है सीढ़ी, एक टाइप का स्टेयर्स कह लो इसको, काइंड ऑफ स्टेयर है जो आपकी हेल्प करेगा किसी भी बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं एक बिल्डिंग ढूंढ लेता हूँ, वहां पे आपको मैं दिखाता हूँ इसको। तो आप जो है इसको भी बिल्ड कर सकते हो, कोशिश करो कि घर के जितना पास बिल्ड कर सको उतना पास बिल्ड करो, ताकि आप जो है डिस्टेंस पे ना रहो, आराम से इस पे चढ़ के जो है आप बिल्डिंग पे चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हेल्प से जो है आप बिल्डिंग में आराम से चढ़ सकते हैं। तो जिस बिल्डिंग पे आप जाने का कोई रास्ता नहीं है, उस बिल्डिंग के आसपास जो है आप इसको खड़ी कर सकते हो, तो आप जो है सेकंड फ्लोर तक तो आराम से चले जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे घुस रहा हूँ, मैं बिना सीढ़ी चढ़े जो है विंडो के थ्रू जो है घुसने जा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कि कितनी हेल्प मिल जाएगी आपको इससे। और इस चीज़ को भी जो है आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा गेम में। तो ये एक चीज़ें आई हैं। और यहाँ पे जो है नॉर्मली मैं अपना क्लोन खड़ा कर देता हूँ, ताकि अगर कोई आसपास आए तो वो इसको शूट करे। तो ये क्लोन जो है हमेशा के लिए नहीं रहता, अगर आपने इस क्लोन को जो है यूज़ कर लिया तो आपका एक क्लोन वेस्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको शूट करते हो तो एक टाइप का इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का लगता है इसको, और कुछ देर बाद जो है ये डिसअपेयर हो जाता है अपने आप ही। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है और उसके बाद जो है ये डिसअपेयर हो जाता है। तो क्लोन को आप जो है रीयूज़ नहीं कर सकते, एक बार ही आप यूज़ कर सकते हो, और एक बार आपने यूज़ कर लिया तो आपका क्लोन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के आपको इसको गेम में यूज़ करना है। तो दोस्तों अगली चीज़ जो यहाँ पे ऐड हुई है, वो ऐड हुई है ग्रास का होलोग्राम। तो आप जो है ग्रास को कहीं पे भी बना सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास ग्रास है, और ग्रास को मैंने यहाँ पे बना लिया है, बाकी ग्रास के साथ मिक्स हो गया है, तो इससे लग नहीं रहा कि जो है यहाँ पे कुछ अलग है। तो ग्रास का भी सीन ये है कि ग्रास को भी आप जो है एक बार ही यूज़ कर सकते हो, अगर एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद जो है आप उसको दोबारा से अपने पास नहीं कर पाओगे। तो आपको इस वाले आइटम का भी जो है ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास अगली आइटम आई है, वो है रॉक कैमो। तो रॉक कैमो बेसिकली एक टाइप का रॉक कवर है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेगा, और ये सबसे बेस्ट लगा मुझे इस अपडेट में। रॉक से अगर आप अपने आप को कवर कर लेते हो, तो रॉक जो है बाकी लैंडस्केप के साथ इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप इसके अंदर हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने बिल्ड किया है, तो रॉक ने मेरे पूरे बॉडी को कवर कर लिया, सिर्फ मेरे लेग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये रॉक जो है आपके क्राउच मोड में भी काम करता है, तो आप क्राउच होकर के भी चल सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रॉक कैमो जो है आपको फर्स्ट पर्सन में भी काम करेगा, और कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा सा गैप होगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हो कि आपके आजू बाजू क्या है नहीं है और किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो रॉक कैमो का भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं रॉक कैमो को किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी क्राउच मोड में इसको यूज़ किया है, और ये बिल्कुल जो है मैच कर जा रहा है ज़मीन से, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो है मैंने इस अपडेट में मिस कर दी हैं, वो चीज़ें मेरे को गेम के अंदर मिली नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा। तो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो गेम का यहाँ पे एंड होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना क्लोन जो है वहाँ पे पीछे छोड़ दिया है, ताकि कोई किसी को दिखता है तो वो उस पर फायर करेगा, तो और मुझे पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ है। यहाँ पे जो है मैंने माइन छोड़ दिया है, माइन से ये होगा कि कोई इसके आर पार जाएगा तो वो जो है वहीं पे फट जाएगा माइन। और ढूंढते हैं यहाँ पे आजू बाजू बंदे, अगर हमें मिल जाते तो 5 लोग बचे हुए हैं, देखते हैं कि उनको किल कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो है पेड़ है, और मैं यहाँ पे जो है स्टेयर लगा के चढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे बिल्ड किया है, और ये देखिए कि काफ़ी डेंस है ट्री, तो अगर हम हाइट पे चले जाएँ तो मुश्किल ही चांस है कि कोई हमें यहाँ पे देख पाएगा। हालांकि स्टेयर से जो है वो मन नोटिस कर ज़रूर कर सकता है कि इसके ऊपर है कोई या आसपास है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा तरीका है इससे जो है पेड़ पे चढ़ने का या फिर पेड़ों में छुपने का। तो यहाँ पे मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ कि पेड़ पे चढ़ पाऊँ, तो लेकिन यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पा रहा। आई थिंक ये ट्रिक जो है इसमें काम नहीं करती है वाली, पेड़ पे चढ़ने वाली, बट फिर भी काफ़ी अच्छा। यहाँ पे हमें शूट पड़ने लग गए हैं, तो किसी ने हमें देख लिया, स्पॉट कर लिया, देखते हैं कहाँ पर है वो। गेम जो है यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, और हमें यहाँ पे गोलियाँ भी पड़ रही हैं, और आई थिंक जो है राइट साइड से मार रहा है वो, रहा हमें बंदा दिख गया है, और इसको भी हम किल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमने किल कर दिया है इसको, 4 किल हो गए हमारे प्लस। अब जो है हम यहाँ पे अब जाके सामान वगैरह लूटते हैं, और देख सकते हो कि सामने उसने जो है एक शील्ड लगा रखी है। तो ये शील्ड जो है शायद उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाई होगी, पर उसे अनपैक करना भूल गया होगा, तो इस शील्ड को जो है हम अनपैक कर लेते हैं या हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब जो है सिर्फ 2 बंदे रह गए हैं, और हमें जो है एक बंदे को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। तो पीछे से शॉट पड़ा है हमें, तो शायद वो पीछे ही होगा आसपास कहीं पे, तो विजिबल नहीं हो रहा, अभी दिख नहीं रहा हमें।
तो दोस्तों ये सारे कुछ अपडेट्स हैं जो इस अपडेट में आए हैं 0.9 के। एक दो चीज़ें जो है मेरे को मिली नहीं है गेम के अंदर, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं और आपको बता दिया किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो आप जो है नए वाले अपडेट में आप इसे यूज़ कर सकते हो। और गेम यहाँ पर हम जीत गए हैं, तो चिकन डिनर हमें मिल गया है। तो बॉट्स बहुत हैं इस टीमी वर्जन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जो है मेरे और कंटेंट्स देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।